हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं विरत सिलेक्शन मेंटर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, बहुत ही इम्पॉर्टेंट खबर यहां पर लिखी हुई है और ये खबर उन लोगों के लिए है जो शिक्षा के क्षेत्र में अपना भविष्य देखना चाहते हैं, जो शिक्षक बन करके अलग अलग जगहों पर, अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग कोनों में, हिस्सों में अपनी सेवा दे करके विद्यार्थियों को शिक्षित करना चाहते हैं, राष्ट्र को शिक्षित करना चाहते हैं। तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है टीईटी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हों या फिर किसी अन्य राज्य से। तो उन सब के लिए बहुत बड़ी खबर है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ी खबर आई है, सरकार का बहुत बड़ा फैसला आया है। सरकार का बड़ा फैसला वैसे तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, पर इतना ही नहीं है, इसलिए जरूर पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो आज मैं आपको यहां पर देने वाला हूं, आपके काम आने वाली है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा एक भी बार। और हां, एक और बात है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यह जानकारी सबके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए भैया अधिक से अधिक इसको शेयर करना, इसको अधिक से अधिक लिंक को शेयर जरूर करना, इस वीडियो को एकदम हर जगह फैला देना, ठीक है। तो सरकार का क्या बड़ा फैसला है आप देख सकते हैं, टीटी का जो प्रमाण पत्र है दोस्तों, आप लोगों को मालूम होगा कि टीटी का जो प्रमाण पत्र है वो 7 वर्षों के लिए वैलिड होता है। टीटी का प्रमाण पत्र 7 ईयर्स के लिए वैलिड होता था अभी तक, अब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अब इसको जो है केवल 7 वर्ष नहीं बल्कि इसे आजीवन इसकी जो है जो वैधता है वो रखी जाएगी। आजीवन का मतलब हो गया कि अब लाइफ टाइम जो है इसकी वैधता होने वाली है। तो अब आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है, 7 साल के बजाय आजीवन रहेगा। लेकिन अब इसमें कई सारे प्रश्न भी छुपे हुए हैं कि जिन लोगों ने पहले टीटी दिया था, जिनका 7 साल कंप्लीट हो गया है, उनके लिए क्या होगा, कैसे उनके लिए व्यवस्था होगी, उनके प्रमाण पत्र के लिए क्या होगा, क्या उन्हें फिर से एग्जाम में अपियर होना पड़ेगा तब जाकर के उन्हें आजीवन आगे का प्रमाण पत्र मिलेगा, या फिर पुराने वालों के लिए भी कुछ सरकार ने सोचा है, इन सब पर भी है। तो पूरी खबर को जरूर सुनिएगा, ठीक है। और मैं आपसे कहूंगा कि आज का जो दिन है ये बहुत ही कह सकते हैं शिक्षा की जानकारी रखने वाले या शिक्षा के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखने वाले जो लोग हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तब तो आज के लिए आपके ये डबल न्यूज है कि उत्तर प्रदेश में आज सुबह ही जो है एक जानकारी आई थी कि कब ये जो टीईटी की परीक्षा है, यूपी टीईटी की जो परीक्षा है, वो कब आयोजित होने की संभावना हो रही है, कब उसके नोटिफिकेशन आने की संभावना हो रही है। तो पहले इसके लिए छोटी सी बात करते हैं, उसके बाद आते हैं जो टीईटी के जो समय बढ़ाया गया उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। यूपी टीईटी का जो दोस्तों आवेदन है, उसका आवेदन 15 जून से प्रारंभ होने की संभावना देखते हुए मिल रही है, क्योंकि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी के जो सचिव हैं उत्तर प्रदेश प्रयागराज के, उनको इससे संबंधित कि 15 जून को आवेदन जो है वो दिया जा सके, इससे संबंधित जो खबर है, प्रस्ताव जो है वो भेजा जा चुका है। अगर उन्होंने इस पर साइन कर दिया तो या उस पर अपना अनुमति दे दिया तो समझ लीजिए कि 15 तारीख को आपका आवेदन आने वाला है। पहले जो है इसका विज्ञापन 11 मई के आसपास आना था लेकिन नहीं आ पाया था। 15 मार्च को यूपी टीईटी की समय सारणी आई थी, उस समय उसमें बताया गया था कि 11 मई को इसका विज्ञापन आएगा, लेकिन आपको मालूम है कि 18 मई को आप लोगों को मालूम है कि जो यहाँ यूपी के जो लोग हैं उनका मालूम होगा कोरोना कर्फ्यू वगैरह जो है बहुत बढ़ाया गया था, इसकी वजह से डिले कर दिया गया। तो 15 जून पे आपको नोटिफिकेशन आना है। एक तो ये सबसे शुभ खबर है जो लोग यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीईटी के जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है कि भैया और कमर कस लो और जबरदस्त तैयारी से कर लो, अच्छी से अच्छी तैयारी कर लो। आप जल्दी ही से जल्दी आशा करेंगे कि कोचिंग्स भी खुल जाएंगी, तो आप लोगों को जो ऑफलाइन कोचिंग में मैं पढ़ाता हूं उसकी जानकारी भी आपको अच्छे से यहां पर मिलना शुरू होगी। अब बात कर लेते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से क्या बड़ा फैसला आया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से बड़ा फैसला टीटी के अभ्यर्थियों के लिए यह आया है कि टीटी का जो प्रमाण पत्र है, जो सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी 7 वर्ष हुआ करती थी उसे 7 वर्ष से बढ़ा करके आजीवन कर दिया गया है। यानी एक बार अगर आपने टीटी क्वालिफाई कर लिया तो बार बार टीटी में आपको अपियर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ी बात तो इससे आपका पैसा बचेगा, खर्चा बचेगा और तैयारी कंसंट्रेट होकर के आप सुपर टेट की जो करते हैं, सुपर टीटी की जो तैयारी करते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में होती है, उनकी आप कंसंट्रेट होकर के तैयारी कर लेंगे। इस झमेले में बार बार नहीं पड़ना पड़ेगा कि पहले टीटी निकालें फिर सुपर टेट निकालें, इससे आप बच जाएंगे। अब बड़ी बात यहां पर यह है कि ये जो वैधता है, जो आजीवन वैधता है, ये कब से लागू हो रही है? क्या 2020-21 की जो परीक्षा में जो लोग बैठ रहे हैं टीईटी की, क्या इसमें इसको लागू किया जाएगा और यहां से इसके लिए आगे बढ़ा जाएगा? तो इसका उत्तर भी मंत्रालय ने दिया है। मंत्रालय ने दिया है कि इसको लागू करने की डेट जो है वो 1 जनवरी 2011 से है। कब से है? 1 जनवरी 2011 से, यानी पिछले 10 साल में जो लोग भी पास हुए। देखिए, जनवरी 2011 की अगर हम बात करें, 2011 से ही टीटी वगैरह का प्रकरण शुरू हुआ है, ये सारी चीजें प्रक्रिया में आई हैं। और 2011 से कुछ लोगों, जैसे मान लेते हैं किसी ने 2011 में अगर टीटी दिया था तो अब उसका सर्टिफिकेट जो है वो एक्सपायर हो गया 2018 में, तो अब इन्हें दोबारा से टीटी देने की जरूरत नहीं है, अभी इनका ये फिर से वैलिड हो जाएगा।
क्या पुराना प्रमाण पत्र ही यहां पर काम आएगा या फिर नया प्रमाण पत्र बनेगा, इसका उत्तर भी आयोग ने दिया है, मंत्रालय ने दिया है। और मंत्रालय ने कहा है कि चाहे वो राज्य हो चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हो, उम्मीदवारों के नए टीईटी प्रमाण पत्र या तो जारी करें या जारी करने से संबंधित जो भी आवश्यक कार्यवाही है उसको जल्दी से जल्दी करने के लिए बात यहां पर कही गई है। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की तरफ से यह बात भी कही गई बार बार। तो अब देखिए, एक तो आपका वैलिडिटी बढ़ गया, यह आपको पता चल गया, एक बात पता चल गई वैलिडिटी बढ़ गई है। दूसरी बात आपको पता चल गई कि वैलिडिटी पिछले 10 वर्षों से लागू की जाएगी, यानी 2011 से लागू करी जाएगी। अब प्रमाण पत्र जो है वो चेंज होंगे या नहीं होंगे, इससे संबंधित जो निर्णय होगा वो जल्दी से जल्दी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो है वो तय करके आपको बता देंगे। इससे संबंधित खबर आएगी तो मैं फिर आपको इन्फॉर्म करूंगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब आप लोगों को बार बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बहुत बड़ी बात है। रमेश पोखरियाल निशंक जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका पूरा का पूरा एक तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, आज ही का नोटिफिकेशन है, 1:41 पर यह आया है, आप देख सकते हो 3 जून का है। तो इसका पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको पीडीएफ के रूप में प्रोवाइड कर दूंगा, पीडीएफ के रूप में आप इसे फाइंड कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, आप जिसको पूरा पढ़ना है वो पूरा पढ़ लेगा। बाकी खबर यही है जो मैंने आपको यहां पर बताया है। तो भाई जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक शेयर करिएगा इसको, सब लोगों तक खबर पहुंचाइएगा। यूपी की तैयारी करने वाले, यूपी टीईटी की तैयारी करने वाले और टीईटी की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए यहां पर बड़ी खुशखबरी है। आज का दिन शिक्षा क्षेत्र के में अपना भविष्य देखने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी वाला दिन लेकर के आया है, यूपी के लिए भी खासकर, ठीक है। तो बने रहिएगा हमारे साथ में। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं यहां पर, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि आप जब ऑफलाइन कोचिंग्स खुलेंगे तो आपके लिए फॉर्म भरने की सुविधा मैं यहां पर उपलब्ध करा दूंगा अपने इंस्टीट्यूट में। इसके अलावा जो लोग पीईटी की तैयारी कर रहे हैं, पीईटी यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी की पीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीटी की तैयारी कर रहे हैं, जो समूह गा के लिए जो यहां पर करी जा रही है, उसका भी फॉर्म भरने के लिए जल्दी यहां पर घोषणा करिए। नीचे जो टेलीग्राम का लिंक है उसी टेलीग्राम पर मैं आप लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा, आप बेफिक्र होकर के फॉर्म भरने के लिए भी कोई चिंता ना करिए, आपसे पढ़ाई की चिंता करिए, बाकी सब सिलेक्शन मेंटर के ऊपर छोड़ दीजिए, सारी जानकारी हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी होगी, और अगर आप हमसे स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, तो आप इस लिंक को अधिक से अधिक शेयर जरूर करेंगे। सिलेक्शन मेंटर की अपील है आपसे, आप जरूर इसको करिएगा। धन्यवाद। किसी को किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पूछिएगा, मैं लाइव रहूंगा और मैं आपको इसकी जानकारी जो है वो लगातार देता रहूंगा, ठीक है। तो किसी को किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, तो आप मुझसे वो जानकारी भी ले सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में इसमें फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।